है, मैं हूँ प्रिया धीर। रुकर दे दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के परिजनों से की मुलाकात। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को बताया नाकाम, बोले किसान परेशान, महंगाई आसमान पर। यूपी में प्रियंका गांधी बोली, किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है भाजपा सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाएंगे अयोध्या, 26 अक्टूबर को करेंगे रामलला के दर्शन। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोले, गोवा में प्रमोद सावंत से जनता दुखी, भाजपा बदलना चाहती है सीएम। वरुण गांधी ने फिर उठाया किसानों का मुद्दा, कहा आज कृषि नीति पर पुनर्चिंतन करने की जरूरत, किसानों की मांगों को मान ले केंद्र सरकार। अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा फैजाबाद रेलवे जंक्शन, सीएम योगी का फैसला। मुंबई के बांद्रा में 3 ठिकानों पर एनसीबी की रेड जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर बोला, नोरा को गिफ्ट की थी कार। अनन्या पांडे से फिर होगी पूछताछ, एनसीबी ने सोमवार को बुलाया। लखीमपुर हिंसा मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। 28 अक्टूबर को गोवा जाएगी ममता बनर्जी, पार्टियों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील करेगी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, रामबन के समीप कैफेटेरिया मोड़ पर एनएच 44 ब्लॉक यातायात ठप। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली बोले, पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए तैयारी पूरी, हमारा फोकस जीत पर। तेलंगाना के करीमनगर में भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई तीव्रता। कोरोना से भारत में पिछले 24 घंटों में 16,326 केस आए सामने, 666 लोगों की हुई मौत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।